क्रांतिकारी उद्योग, रोबोटिक्स और जनशक्ति का तालमेल। आधुनिक उद्योग के क्षेत्र में रोबोटिक्स और मानव श्रम के बीच गतिशील परस्पर क्रिया प्रगति की एक परिभाषित विशेषता के रूप में उभरी है। रोबोटिक्स ने अपनी सटीकता, दक्षता और अथक कार्यनीति के साथ विनिर्माण और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। हालांकि मानवीय सरलता, अनुकूलन क्षमता और सूक्ष्म निर्णय लेने की अपरिहार्य भूमिका अद्वितीय बनी हुई है। रोबोटिक्स और जनशक्ति मिलकर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं जो उद्योगों को उत्पादकता और नवाचार की अभूतपूर्व ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। रोबोटिक्स का विकास। रोबोटिक्स का विकास उल्लेखनीय से कम नहीं है। असेंबली लाइनों में अल्प विकसित यांत्रिक हथियारों के शुरुआती दिनों से लेकर आज की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित परिष्कृत स्वायत्त प्रणालियों तक रोबोटिक्स में तेजी से प्रगति हुई है। ये मशीनें जटिल कार्यों को गति और सटीकता के साथ करने में सक्षम है, जिससे उत्पादन दर और उत्पाद स्थिरता में वृद्धि होती है। ऑटोमोटिव विनिर्माण से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के उद्योगों ने रोबोटिक्स को अपनाया है, संचालन को सुव्यवस्थित किया है और समग्र दक्षता बढ़ाई है। मानवीय स्पर्श। जबकि रोबोटिक्स दोहराए जाने वाले कार्यों और भारी सामान उठाने में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, मानव स्पर्श उद्योग के कई पहलुओं में अमूल्य है। मनुष्य रचनात्मकता, समस्या समाधान कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सामने लाता है। ये ऐसे गुण हैं जो अनुकूलनशीलता और जटिल निर्णय लेने की आवश्यकता वाले कार्यों के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा इंसानों में लगातार प्रक्रियाओं को नया करने और सुधारने, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। सहयोगात्मक रोबोटिक्स। हाल के वर्षों में सबसे रोमांचक विकासों में से एक सहयोगी रोबोटिक्स का उदय है, जहां मशीनें साझा कार्यस्थलों में मनुष्यों के साथ काम करती हैं। ये कोबोट मानवीय क्षमताओं को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें पूरक बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोहराए जाने वाले या शारीरिक रूप से मांग वाले कार्यों को स्वचालित करके कोबोट मानव श्रमिकों को अधिक सार्थक और मूल्यवर्धित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करते हैं। यह सहयोग न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि सुरक्षित कार्य वातावरण को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि रोबोट और मनुष्य एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाते हुए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करते हैं। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। जैसे जैसे उद्योग अधिक स्वचालन तकनीकों को अपना रहे हैं, नौकरी बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए कार्यबल को उन्नत और पुनः कुशल बनाने की आवश्यकता बढ़ रही है। मानव श्रमिकों को विस्थापित करने के बजाय रोबोटिक्स को उन भूमिकाओं के लिए कौशल सेट में बदलाव की आवश्यकता होती है, जिनके लिए मानव रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान क्षमताओं की आवश्यकता होती है। कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो श्रमिकों को तेजी से स्वचालित दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करते हैं। अपने कार्यबल में निवेश करके संगठन कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं में अनुकूलन और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाते हुए रोबोटिक्स की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। नैतिक प्रतिपूर्ति। जैसे जैसे उद्योगों में रोबोटिक्स का प्रसार जारी है, उनके उपयोग से संबंधित नैतिक विचार तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं। नौकरी विस्थापन, डेटा गोपनीयता और स्वायत्त निर्णय लेने के नैतिक निहितार्थों के बारे में प्रश्नों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और प्रौद्योगिकीविदों के लिए दिशा निर्देश और नियम स्थापित करने में सहयोग करना आवश्यक है, जो रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार विकास और तैनाती को सुनिश्चित करते हैं। नैतिक विचारों को प्राथमिकता देकर हम संभावित जोखिमों को कम करते हुए और सामाजिक लाभों को अधिकतम करते हुए रोबोटिक्स की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष। रोबोटिक्स और जनशक्ति के बीच तालमेल मानव प्रतिभा और तकनीकी नवाचार के अभिसरण का प्रतीक है। जैसे जैसे उद्योग तेजी से स्वचालित परिदृश्य की जटिलताओं से निपटते हैं, रोबोट और मनुष्यों के बीच सहयोग प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरता है। इस तालमेल को अपनाकर संगठन उत्पादकता, दक्षता और नवाचार के नए स्तरों को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आने वाले वर्षों में स्थायी विकास और समृद्धि हो सकती है। जैसा कि हम स्वचालन द्वारा परिभाषित एक नए युग की शुरुआत पर खड़े हैं,
रोबोटिक्स और जनशक्ति का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं है।